सभा को संबोधित कर रहे हैं दोस्तों। और इसलिए शांति और सुरक्षा राजस्थान के विकास के लिए बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस आपको सुरक्षा दे सकती है? दे सकती है साथियों। हमारे यहां राजस्थान ये महिलाओं की मान मर्यादा के लिए मर मिटने वालों की धरती है, लेकिन जब कानून का भय नहीं रहता तब सबसे ज्यादा नुकसान हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठाना पड़ता है। और यही राजस्थान के हर कोने में हुआ है। मंडरायल हो, मोहनपुरा हो या नादोती, ये याद है कि भूल गए साथियों? ये घटनाएं जब याद आती है ना, तो किसी भी समझदार व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता है। यहां पास के चाकसू और नागौर के लाडनू में जो हुआ है वो दिल दहलाने वाला है। यहां की कांग्रेस सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें अपराध की खुली छूट दे रखी है। यहां के मुख्यमंत्री, मुझे तो दुख होता है मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, ऐसा मुख्यमंत्री आप कहां से लाए हो? मेरी माताएं बहनें, आपको पता है ये आपके मुख्यमंत्री ने आपको क्या कहा है? आप सुनोगे ना तो आपको भी गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं झूठ बोलती हैं, झूठे केस दर्ज कराती हैं। क्या मेरे राजस्थान की माताएं बहनें ऐसा कर सकती हैं? क्या कभी कर सकती है? क्या कोई मां बहन पुलिस थाने में जाकर के ये कहेगी कि मेरे चरित्र का हनन हुआ है? वो झूठी बात करने जाएगी? ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आपके मुंह से ऐसी बात निकली कैसे? यहां के मुख्यमंत्री और उनके एक साथी, उनके पक्के दरबारी, वो तो यहां के हर पुरुष को कलंकित करने के बयान देते हैं। मुझे बताइए, क्या कभी भी कोई समाज किसी बलात्कारी को मर्द कह सकता है क्या? सबके सब मुझे जवाब दीजिए, क्या किसी बलात्कारी को कोई मर्द कह सकता है क्या? क्या किसी महिला के साथ बदतमीजी करने वाले में किसी को मर्दानगी दिखती है क्या?